वार्म वेलकम ऑन दिस चैनल इंग्लैंड जोन एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं। यस, दिस वीडियो इज रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर एंड हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इंपॉर्टेंट पीरियड्स इन हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, प्लीज एंड तक इसको वॉच करिए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को फॉर मोर वीडियोज रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर। लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ द डे। यहाँ पे हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उस पर हम बहुत ही डीपली और थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे अमेरिकन लिटरेचर को विथ इम्पॉर्टेंट वर्क एंड इम्पॉर्टेंट राइटर। तो फर्स्ट पीरियड जो है अमेरिकन लिटरेचर का, दैट इज द कोलोनियल एंड अर्ली नेशनल पीरियड। यस, दिस इज द पीरियड, फर्स्ट पीरियड विच इज रिगार्डेड इन अमेरिकन लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, जिसका टाइम ड्यूरेशन अगर हम बात करें 17th सेंचुरी से लेकर के 1830 तक का जो टाइम था अमेरिकन लिटरेचर में, वो कोलोनियल एंड अर्ली नेशनल पीरियड के नेम से जाना जाता है। इसके इंपॉर्टेंट राइटर्स की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो लिटरेरी फिगर है, एंड ऑल्सो वी हैव बेंजामिन फ्रैंकलिन जो इंपॉर्टेंट राइटर्स थे इस ईयर के, इस टाइम ड्यूरेशन के, एंड ऑल्सो वॉशिंगटन इरविंग। सो दीज टू आर द इम्पॉर्टेंट राइटर्स एंड इम्पॉर्टेंट ऑथर्स रिलेटेड टू कोलोनियल एंड अर्ली नेशनल पीरियड। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड है, दैट इज रोमांटिक पीरियड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड है अमेरिकन हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर की अगर हम बात करें, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में इसी पीरियड से पूछे जाते हैं। इसका जो टाइम ड्यूरेशन था 1830 से लेकर के 1870 तक का टाइम ड्यूरेशन हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर में रोमांटिक पीरियड के नेम से जाना जाता है। और इसके इंपॉर्टेंट जो ऑथर्स हैं, इंपॉर्टेंट जो लिटरेरी फिगर हैं इस टाइम ड्यूरेशन के, उनकी बात करें एडगर एलन पो, डब्ल्यू एच लॉन्गफेलो, रैल्फ वाल्डो इमर्सन एंड वॉल्ट विटमैन। ये कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स, इंपॉर्टेंट पोएट्स एंड इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर हैं रोमांटिक पीरियड की, जो कि हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर से बिलोंग करते हैं एंड इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किया है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर में। और फ्रेंड्स, अमेरिकन लिटरेचर एक ऐसा पार्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिससे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। आप बात करो वॉल्ट विटमैन की, या आप बात करो एमिली डिकिंसन, एंड ऑल्सो वी हैव दी H.W. Longfellow, these are the important writers, Edgar Allan Poe, जो कि बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, Ernest Hemingway, William Faulkner and also Robert Frost. So important जो poets हैं इनके बारे में हम अलग अलग discuss करेंगे अपने आगे आने वाले वीडियो में, but आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं history of American literature की। And moving on to the third period of history of American literature, that is रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। यस, रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म का जो टाइम ड्यूरेशन था 1870 से 1910 का टाइम ड्यूरेशन है, और इस टाइम के जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, इम्पोर्टेंट लिटरेरी फिगर हैं, उनकी बात करें हम तो मार्क ट्वेन, हेनरी जेम्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लिटरेरी फिगर ऑफ रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। एंड द फोर्थ वन वी हैव, दैट इज द मॉडर्निस्ट पीरियड। यस, दिस इज द मॉडर्निस्ट पीरियड, जिसका टाइम ड्यूरेशन 1910 से 1945 तक का है। एंड इसके इम्पोर्टेंट जो लिटरेरी फिगर की बात करते हैं, एफ स्कॉट फिट्ज़गेराल्ड एंड अर्नेस्ट हेमिंग्वे, विलियम फॉकनर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यूजीन ओनील, इन्होंने अपने राइटिंग से, अपने जो बुक्स हैं, अपने जो क्रिएशन है उसके थ्रू बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है अमेरिकन लिटरेचर को। एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट पीरियड, and this is the contemporary period, jiska time duration 1945 se till now ya present time tak ka time duration american literature mein contemporary period ke name se jana jata hai. aur is period ke important literary figures ki baat karte hain to toni morrison bahut hi important yahan pe literary author hai, alice walker, vladimir nabokov and sylvia plath, these are the few important writers and literary figure we had discussed in this video. Our friends, ye bas itne hi writers nahi hai, maine kuch important aur kuch well known writers ki ya literary figures ki baat ki jo ki american literature mein bahut hi zyada famous hai. hum is अमेरिकन लिटरेचर की हिस्ट्री को थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे सो दैट कि वहाँ पे हम उनके इम्पोर्टेंट क्रिएशंस, इम्पोर्टेंट जो टाइम ड्यूरेशन था, क्या इम्पोर्टेंट चीजें हैपन हुई उस टाइम ड्यूरेशन में, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे अपनी डिटेल वीडियो में रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, जो कि बहुत ही जल्द आपको इस चैनल पर मिलेगा। एंड प्लीज बने रहिए इस चैनल के साथ में, नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट राइटर से रिलेटेड डिस्कस करूंगी या अपलोड करूंगी इस चैनल पे, जिनमें हम अमेरिकन राइटर्स एंड साथ ही साथ MCQs डिस्कस करेंगे अमेरिकन लिटरेचर से रिलेटेड। एंड प्लीज वॉच आउट दी अदर वीडियोस अपलोडेड ऑन दिस चैनल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज
डू नॉट हेजिटेट टू कंसल्ट विद दैट, या डू नॉट हेजिटेट टू सजेस्ट मी दैट थिंग्स। और प्लीज मुझे कॉमेंट करके उस चीज को बताइए, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने लिटरेरी ग्रुप्स में जो आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आपने ज्वाइन किया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कनेक्टिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।